हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुलाबी ठंड के बीच बही लोक कला की बयार। जोधपुर मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट और जयपुर विरासत फाउंडेशन की साझा मेजबानी में यूनेस्को की सहायता से 5 दिवसीय राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल के दूसरे दिन गुरुवार को सुबह से ही गुलाबी ठंड के बीच लोक कला की बयार बहनी शुरू हो गई। यहाँ अल सुबह जसवंत थड़ा में भजनों के बाद दोपहर में मेहरानगढ़ दुर्ग में लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। जोधपुर रिफ के दूसरे दिन गुरुवार को देशी विदेशी सैलानी लोक कला से रूबरू हुए। गुरुवार सुबह जसवंत थड़ा में मीरा और कबीर पर कविताएं और भजनों का दौर चला तो दोपहर में मेहरानगढ़ में लोक कलाकारों ने अपने हुनर से समा बांध दिया। वहीं शाम 5:45 पर वरिष्ठ अदाकार सुगड़ा बतौर लिविंग लेजेंड रूबरू होगी तो देर रात राव जोधा पार्क में बाड़मेर और बीकानेर के कलाकारों के सुरों की महफिल सजेगी। बता दें कि रिफ में इस बार 325 से अधिक देशी विदेशी कलाकारों के माध्यम से विश्व की विभिन्न संगीत संस्कृतियों का सम्मान हो रहा है। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।